that are manufactured as per the approved specification of Technical Expert Committee, TEC, and inspected by the inspection agency identified by Election Commission of India. ये मतलब हम पूछ रहे सर्टिफिकेट किसने किया, वेरीफाई किसने किया, वो करा भैया वो जो कहता हम तो वैसे बना के दे देते हैं, वही करवाता है इंस्पेक्शन जिससे भी। अब मजेदार और बात, तो हमने फिर पूछा भाई चलो उससे पूछते हैं, एक तीसरा भी है ECIL, उसको भी यही सवाल पूछा। तो ECIL क्या कहता है, ECIL जवाब देता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये जवाब किसी ने नहीं दिया कि कौन इसको सर्टिफाइड करता है, कौन वेरीफाई करता है, और ये वो मशीन है जिसके माध्यम से इस देश में चुनाव होता है, और ये वो मशीन है जिसके विषय में इस देश के 99% जो वोटर्स हैं कुछ नहीं जानते। मैंने बाकायदा हमने जो भी राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, मैंने डिटेल में उसमें लिखा और पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूं ये सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस, इस देश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके तमाम जजेस, इस देश में जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, तमाम IAS ऑफिसर इंक्लूडिंग DM, कमिश्नर, ADM, जितने भी हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, इसके अलावा जितने भी IPS ऑफिसर्स हैं, DGP से लेकर DGP, एडिशनल DGP, स्पेशल DGP, IG, DIG, SSP, SP, नीचे DSP तक सारे के सारे, और जितने भी डॉक्टर्स हैं इस देश में, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी PhD किए हुए लोग हैं, और जितने भी इंजीनियर्स हैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बता सकते हैं कि EVM की टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, बताइए आप लोग, कोई एक बता दे। यहां इतने लोग उपस्थित हैं गोवा में, इनमें से एक बता दीजिए, और आप सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक व्यक्ति बता दे कि EVM की टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है। आप नहीं जानते, चिप तो है, सिस्टम है, लेकिन चिप कैसे बनती है आप बताइए ना, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है नहीं पता किसी को। सो जब आप पढ़े लिखे लोग नहीं जानते और इतने पढ़े लिखे नहीं जानते, तो इस देश की आधी अनपढ़ आबादी है वो कैसे जानेगी। और हम लोग कितने ही सालों से, जब से EVM आई है, अंधे की तरह, सबको कह रहा हूं, आपको भी, अपने आप को भी, हम सारे के सारे अंधे की तरह वोट डाले चले जा रहे हैं, कभी हमने कोशिश नहीं की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसको रोकने का प्रयास करें, किसी ने भी कोशिश नहीं की। प्रणाली वो अपनानी चाहिए, टेक्नोलॉजी, आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम पीछे क्या देखना। तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या सारे काम, अपने जीवन के तमाम काम आप वैसे ही करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है नई तरीके से करो? मैं समझता हूं इसके अलावा बाकी सारे काम आप वैसे ही करते हैं जैसे आपके शास्त्रों में लिखा है, वो सारी पुरानी पद्धतियां हैं, कोई नई तो नहीं है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो नहीं होती उसमें। सो इसी पर क्यों है, क्योंकि वो उनके पूरी तरह से हाथ में है, इसलिए वो EVM से चुनाव कराना चाहते हैं और EVM को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन साथियों, अगर सरकार इस बात पर उतर ही आई है कि हम EVM के अलावा किसी से चुनाव नहीं कराएंगे, तो हक किसका लूटा जा रहा है, राइट्स किसके लूटे जा रहे हैं, आपके ना, बोलते क्यों नहीं है, बताइए किसके हक लूटे जा रहे हैं, आपके, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? मतलब चंद लोग आएंगे, अपनी व्यवस्था बनाएंगे और अपनी व्यवस्था के अनुसार इलेक्शन करवाएंगे और अपने आप जीत के चले जाएंगे और उसके बाद आपके तमाम हकों को खत्म कर देंगे, तो हम किस बात के लिए हैं फिर? आपको क्या करना चाहिए? जेल भरो नहीं, उससे पहले और भी कुछ करो, और भी कुछ करना है, जेल तो भरना ही है लेकिन उससे पहले और भी कुछ करना है। और मैं आपको बताऊंगा साथियों करना क्या है, करना यह है साथियों, हम लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ ये लड़ाई लड़नी है।
और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें किसी को गाली नहीं देनी, किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, किसी को लाठी डंडे तलवार गोली से हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, हमारा सबका हक एक ही है, वोट देना मेरा आपका सबका अधिकार है और आपकी और मेरी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे तो हम सबकी लड़ाई है। बस इसी एक अधिकार को बचाने के लिए अपने तमाम जो मतभेद है उनको साइड कीजिए और इकट्ठे होकर सड़क पर आकर लड़ाई लड़िए। के बाद में कोई भी पोस्ट दी नहीं जाएगी, जैसे हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, या बहुत से और लोग होते हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद में किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया, कहीं मेंबर बना दिया, कुछ भी ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर है या कोई भी बना दिया, वो भी नहीं होगा। ये सेफगार्ड्स क्यों हैं? ताकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना रहे, ये उसके लिए है। उसकी पे में कोई कमी नहीं होगी, सरकार उसकी नियुक्ति करती है, बावजूद उसके वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहकर काम करे, उसके लिए सारे प्रोविजंस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट के माध्यम से कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने में तीन लोगों की कमेटी होगी, तीन सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मेंबर वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर सरकार वाकई में सब काम अच्छे तरह करती है और मोदी जी को अगर किसी का डर ही नहीं है, लोग इतना पसंद करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी उसको बदलने की क्या जरूरत थी? सो मोदी जी ने पहले ऑर्डिनेंस लाके बदला उसको, मतलब जजमेंट के तुरंत बाद। आप उनकी जल्दबाजी देखिए, उनका डर देखिए कि इलेक्शन के तुरंत, उसके जजमेंट के तुरंत बाद पहले ऑर्डिनेंस लाए, उससे चेंज किया उसको, देन उसके बाद में जैसे पार्लियामेंट का सेशन चला उसमें बिल लाके एक्ट बना के उसको पास करा दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर प्राइम मिनिस्टर ने उनके द्वारा अपॉइंट उनका कोई कैबिनेट मंत्री उसको स्थान दे दिया। तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं होंगे, एक उनके द्वारा अपॉइंट व्यक्ति होगा, तो इलेक्शन कमीशन कैसा होगा? जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। लेकिन इस सबके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट रहे, उसके सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो मैंने बताए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम ही हो जाए तब आप क्या करेंगे? देखा नहीं देखा, स्कूल बंद करा दिए गए, अनपढ़ आदमी और करेगा क्या, उसे स्कूल से क्या लेना देना? तो पढ़ा लिखा होता तो स्कूल खुलवा। मैं गलत कही मैंने बात? बस सीधी सी बात है। और बसों की उन्हें क्या जरूरत है? 8,500 करोड़ का जहाज तो ले रखा उन्होंने, वो तो उसी में चलते हैं, धरती पर पैर तो पड़ते नहीं उनके, यही स्थिति है। सो आप देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर के आने से सारा शहर का मामला इधर से उधर कर दिया। क्या जरूरत है भाई मेरे, कौन खा रहा है तुम्हें, कौन मार रहा है? सबसे मिलो ना मिलके, जैसे हम मिल रहे, लोग फोटो खिंचवा रहे, हाथ मिला रहे, गले मिलो यार, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कौन सी बात है? लेकिन नहीं। और ये सिलसिला आपके गोवा में नहीं है, इस देश के इस वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस देश का जो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मीटिंगों में खर्च किया है, अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो हजारों करोड़ रुपया है। किसका है पैसा? तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा लोगों की शिक्षा में लगना चाहिए, वो पैसा महंगाई को कम करने में लगना चाहिए, वो पैसा जो है लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने में लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ आत्मुग्ध हो, आप जानते हैं कितना पैसा सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए अपने प्रचार में करते मोदी जी, 45 करोड़ रुपए पर डे केवल प्रचार में। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो अग्निवीरों को एक दिन की तनख्वाह मिलती है 1,000 रुपए, 4.5 लाख अग्निवीरों को जो तनख्वाह मिलती है उतना पैसा देश का प्रधानमंत्री एक दिन में सिर्फ अपने प्रचार पर खर्च करता है, सिर्फ अपने प्रचार पर। और वो सीना ठोक के कहता है कि अब की बार 400 पार। और अभी तो कह रहे हैं यहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद कि अब की सारी सीटें जीतेंगे।
सारी सीटें मतलब लोकसभा की 543 सीटें हैं। इस दुनिया में अगर कोई भगवान भी होगा ना, वो भी अगर धरती पर आके इलेक्शन लड़ेगा, सारी सीटें तो वो भी नहीं जीत सकता। मोदी जी तुम्हारी तौकात ही क्या है? अगर हमारे बुजुर्ग इस देश के शहीद स्वतंत्रता सेनानी अगर डरते तो क्या भारत आज आजाद होता? नहीं होता। और भारत को आजाद कराने के लिए अब हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, इस मशीन को उठा के फेंकना है, और इस मशीन के बाद में इस देश के प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी को पूरी तरह से उठा के फेंकना है। यही होना है, यही करना है। बहुत बातें मैंने की, अब आखिर में आपको मैं केवल एक नंबर बताऊंगा जिस पर आप जितना भी कर सकते हैं मिस कॉल करवाइए, अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, समाज के लोगों से, जिनको जानते हैं सबको कहिए कि इस नंबर पर मिस कॉल करें। और मिस कॉल जैसे आप करेंगे, फोन किया आपने, वो कट जाएगा, मींस आपकी कॉल वहां रजिस्टर हो गई। और मैं आपकी खुशी के लिए बता रहा हूं कि उस मिस कॉल नंबर पर डे 1,00,000 से ज्यादा कॉल आ रही है। इस तरह से वो हमारा मिस कॉल नंबर चल रहा है। नंबर बोलता हूं, आप लिखिए उसको। पेन में दूं आपको? जी चलिए, बोलो नंबर 9667222062। मैं रिपीट करता हूं, 9667722062। करवाइए ईवीएम हटा। बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम हटाओ, ये मिस कॉल नंबर है। और एक बार फिर से बोलो, 9667722062। और साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने का। जितनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं, जिस तन्मयता के साथ आपने मेरी बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूं समझा भी होगा। और आप, हो सकता है कोई बात नहीं आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि गोवा में आप सारे के सारे, मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा, हम 25 फरवरी को इस देश के प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। जब सारी बीमारियों की जड़ वही है तो उसी का घेराव करेंगे। तो आप जो लोग आ सकते हैं आप भी आइए, दिल्ली में उसका बंदोबस्त पूरा करेंगे, चिंता नहीं है। सो आप जिम्मेदारी संभालिए गोवा की, कि गोवा की कोई गली, कोई घर, कोई भी इलाका ऐसा ना रह जाए जहां से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन ना हो। मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं, आंदोलन ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपकी पड़ोस में जो महाराष्ट्र है, जितनी आवाज आपकी आएगी उस आवाज में कई गुना आवाज महाराष्ट्र की आएगी। 17 को नागपुर विदर्भ की हमारी मीटिंग है, 18 को बॉम्बे में मीटिंग है, और हम कल यहां से जाएंगे तो परसों लखनऊ में मीटिंग है, उसके बाद भोपाल में मीटिंग है, देन जयपुर में मीटिंग है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट सिलचर में मीटिंग है। इस तरह से लगातार हम लोगों की मीटिंग्स है, और हम लोग थोड़ा सा बांट बांट के चलते हैं, कहीं मैं गया, कहीं महमूद भाई गए, कहीं ऋषि कपिल साहब गए, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। पावन धरती पर जो आज सहयोग और समर्थन हम लोगों को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा को मिला है, उसके लिए मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मोर्चे के माध्यम से भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राजा साहब, राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के अंदर रहे हैं, और इस तरीके से 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे की मुहिम से पूरे देश के अंदर जुड़ चुके हैं। हम सब लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया हमें बहुत कम समय में कवर करना है, महमूद प्राचा जी आज अलग स्टेट में गए हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी अलग स्टेट में गए हैं, हम लोग यहां पर आए हैं, कल कहीं और होंगे, एक भी दिन हमारा खाली नहीं।
इस इनविटेशन के साथ हम आपके बीच में आए हैं कि पिछले 9 साल से जब से इस देश के अंदर मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक जिन लोगों ने अपने अपने शासन के अंदर कुछ गड़बड़ी करी है, उनके पीछे ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं और वो लोग बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो टीम है जो आपके बीच में आई है, ये टीम वो है जो न सीबीआई से डरती है न ईडी से डरती है, और ये वो टीम है जिसने 9 साल के शासन काल के अंदर इस देश के मोदी सरकार के शासन काल के अंदर पहली बार ये चैलेंज किया है कि मोदी जी आपके दफ्तर का घेराव करने के लिए हम आने वाली 25 फरवरी को तुम्हारे घर आ रहे हैं और तुम्हारे से बात करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए गोवा की तमाम हमारी जनता से, विशेष रूप से हमारी जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आपको न्योता दे रहा हूं, ओपन इनविटेशन है। क्यों, लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, वो लड़ाई दिल्ली की जनता की लड़ाई नहीं है, क्योंकि बाय द वे दिल्ली देश की राजधानी है, चुनाव आयोग का कार्यालय वहीं पर है, प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं पर है, इसलिए जगह वहां की चुनी गई है। इसलिए मैं तमाम बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह करता हूं कि एक दिन का समय निकालकर आप 25 फरवरी को वहां पर जरूर आए, क्योंकि ये हम सब लोगों की एकमोस्ट लड़ाई है। बहुत लोग मिलेंगे आपको ये कहते हुए, बहुत भरमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुश्मन इतना ताकतवर है जो इस पूरे देश के अंदर पत्थर के गणेश को दूध पिला देता है। पता है ना कितना बड़ा नेटवर्क है। कुछ लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस हार गई इसलिए ये ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत रही है, ये संयुक्त मोर्चे का मुद्दा नहीं है। मुद्दा संयुक्त मोर्चे का यह है कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसका परिवार उसी के इलेक्शन में काम करता है, उसकी माता, उसका पिता, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और जब रिजल्ट निकलता है तो जिस बूथ पर वो वोट देने के लिए जाते हैं वहां पर उनका वोट जीरो निकलता है। तो ये ईवीएम सबके दायरे में आई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 3 प्रत्याशी इस इलेक्शन में ऐसे रहे जिनका वोट, खुद का अपना वोट प्रत्याशी का जीरो निकला। अब सवाल यह है कि जिस आदमी ने चुनाव लड़ा, हो सकता है उसकी घरवाली ने वोट ना दिया हो, हो सकता है उसकी मां ने वोट ना दिया, उसके बाप ने वोट ना दिया हो, लेकिन प्रत्याशी का खुद दिया हुआ वोट, वो वोट आखिर कहां चला गया, ये आज सवाल है चुनाव आयोग से, वो चुनाव कहां चला गया वो। और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 1 मिनट का, एक बूथ, पर्टिकुलर बूथ की बात बता रहा हूं, उस बूथ पर मात्र 90 वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 90, 90। अब वहां पर 70% इलेक्शन होता है, कास्टिंग होती है, तो वोट निकलने चाहिए 63। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग होने के समय जिस बूथ पर मात्र 90 वोट थे वहां पर वोट निकले 171। तो चुनाव आयोग ने क्या किया, क्योंकि जो कैंडिडेट हारा भाई वो तो हल्ला करेगा, जो हारेगा वो तो हल्ला करेगा, तो जब उसने वहां पर हंगामा किया तो आनन फानन में चुनाव आयोग ने अपने 5 संबंधित अधिकारियों की जहां पर ड्यूटी थी उनको सस्पेंड कर दिया। अब हम आज उनसे ये कह रहे हैं कि आपने उनको सस्पेंड किया या टर्मिनेट किया या तुम्हारा ड्यूटी पे लिया, ये हमारा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस बूथ पर टोटल वोटर की संख्या ही मात्र 90 है वहां पर 171 वोट इस ईवीएम मशीन से कैसे निकल गए, ये सवाल है या नहीं है?
सवाल यह है कि चंद्रयान पे गया हुआ सैटेलाइट अगर यहीं से रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी का चैनल अपने आप बैठ करके बदल सकते हैं, आज हवाई जहाज उड़ने वाला अगर रिमोट से कंट्रोल हो रहा है और दिल्ली में मेट्रो बिना ड्राइवर के रिमोट से चल रही है, बिना ड्राइवर के चल रही है, तो सारी चीजें यहां पर रिमोट से हो सकती हैं। तो चुनाव आयोग आज घर घर भेज करके मशीनें ये कह रहा है कि ये मशीन हैक नहीं हो सकती। ये एप्पल, एप्पल का बटन मैंने दबाया, देख लो ये खुला, एप्पल का पर्ची आया, लाइट चालू हुआ। एप्पल को ज्यादा वोट देना है हमें, मतलब जीताना है। केले को और वाटरमेलन को हराना है, वो जीतना ही नहीं चाहिए, पूरे देश में से खत्म होना चाहिए। तो एप्पल को जिताने के लिए हम वोट एप्पल को कम देते हैं, फिर भी ज्यादा कैसे आते हैं? तो हम एप्पल को कम वोट देंगे और दूसरी पार्टी को ज्यादा वोट देते। आप बोलिए आप कौन सा बटन दबाते हैं? केला, वाटरमेलन? ये केले का बटन दबाया मैंने, देख लिया, केले का पर्ची आ गया लाइक केला। अब हम कंटिन्यू वोट देते हैं, केले को 4-5 वोट दे देते हैं और वाटरमेलन को भी 4-5 वोट दे देते हैं। बाद में पता चलेगा कि ये वार वोट कहां से कहां चला जाता है। फिर से मैं केले को वोट देता हूं, ये केले को वोट दिया मैंने। अभी जादू क्या होता है और कैसे होता है? ये काला काश जून 2017 के बाद हमें पता चला कि वीवीपीएटी के आगे एक काला कांच रहेगा, लाइट चालू हुई सिर्फ और केला मुझे दिखा दिया, मैं चला गया अंधेरे में, देखो ये एप्पल की पर्ची छप गई, छप गई ना आपके नजर के सामने, छप गई आपके नजर के सामने। दिया केले को दो, छप्पा एक केला और एक एप्पल, नहीं छप्पा, नहीं दबाया, फिर भी छप गया। फिर से हम वाटरमेलन को दो वोट देते, काला का जून 2017 के बाद काले कारनामे करने के लिए गुजरात लॉबी ने पूरे देश के हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए ये वीवीपीएटी नाम के डब्बे में डाल दिए हैं। तो हमें ये ईवीएम और वीवीपीएटी हटा के बैलेट पेपर लाना होगा। फिर से हम दो कंटिन्यू वोट तरबूज को देते हैं, एक वाटरमेलन को मैंने दिया, तरबूज को दिया, देखना तरबूज की पर्ची आई, लाइट चालू हुई, मैंने देख लिया मेरा वोट, आप भी देख के चले जाते हो, बाकी देखते नहीं हो अंधेरे में क्या होता है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, कांच ही काला है, मिरर क्लास है, देखेगा ही नहीं आपको। तो आपको ऐसे या उल्लू बना रहे जैसे 15 लाख वाला वचन दिया ऐसे। फिर से मैं वाटरमेलन को बटन दबाता हूं, ये वाटरमेलन का बटन मैंने दबाया, ये वाटरमेलन का दबाया, लाइट चालू होगा, ये लाइट चालू के वही पर्ची मुझे दिखा दी वापस, मेरे को भी वो पर्ची, मेरी वाइफ ने भी वाटरमेलन, उसको भी वही पर्ची दिखाई। बाद में लाइट बंद होने के बाद देखो क्या होता है, छपा कोई दूसरा कुछ, एप्पल छपा ना, छपा हाँ। अभी फिर से हम दो केले को देते, एक केला वापस दिया मैंने। ऐसे हारते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो जहां जीतना है जीत सकता है कोई भी पार्टी। फ्यूचर जनरेशन, सो लेट्स मेक इट हैपन बाय शोइंग करेज टू स्टैंड अप एट द राइट टाइम, लाइक 1,72,191 गोवंकर उबे रावले ओपिनियन ओला टाइमार गोय सांभाळपाक, आणि तेच भाषेन आज तुम्ही हांगा आयल्यात डेमोक्रेसी सांभाळपाक, ताका लागून गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस गोवा, गॉड ब्लेस इंडिया। ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, जेल जाने के लिए तैयार हो, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बजाओ, भी एक बार बोलो, ईवीएम हटाओ।